नितिन गडकरी के नाम का ऐलान कर दिया गया है। करनाल से मनोहर लाल खट्टर को टिकट दिया गया है, जिन्हें कल ही मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ा था, आज उन्हें लोकसभा चुनाव का टिकट मिल गया है। इसके अलावा मुंबई नॉर्थ से पीयूष गोयल को टिकट मिला है, जो फिलहाल राज्यसभा में आते हैं। हिमाचल के हमीरपुर से अनुराग ठाकुर को टिकट मिला है, जो अभी मौजूदा सरकार में INB मिनिस्टर हैं। बेंगलोर साउथ से तेजस्वी सूर्या को टिकट दिया गया है। गढ़वाल से अनिल बलूनी को टिकट मिला है। कर्नाटक के धारवाड़ से प्रहलाद जोशी और महाराष्ट्र के बीड़ से पंकजा मुंडे का नाम है। ये कुछ बड़े नाम, कुछ बड़े चेहरे जिनके बारे में मैं आपको सबसे पहले बता रहा हूं। लेकिन अब आपको राज्यवार बताता हूं कि कहां किसको सीटें मिली और क्यों मिली। जैसे अगर आप देखिएगा, दिल्ली की 2 सीटों से बीजेपी ने नए चेहरे उतार दिए। पूर्वी दिल्ली की सीट से क्रिकेटर गौतम गंभीर की जगह हर्ष मल्होत्रा को टिकट दिया गया। नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में सिंगर हंसराज हंस का टिकट कट गया, उनकी धुन बिगड़ गई और उनकी जगह पर योगेंद्र चंदोलिया को टिकट मिला है। दिल्ली से ये दोनों उम्मीदवार बीजेपी के नेता हैं और मेयर रह चुके हैं। दिल्ली में जिन 2 सीटों पर बीजेपी ने उम्मीदवार उतारे हैं, उनका मुकाबला किससे होगा वो भी सुन लीजिए। ईस्ट दिल्ली से आम आदमी पार्टी के कुलदीप कुमार और बीजेपी के हर्ष मल्होत्रा के बीच मुकाबला होने जा रहा है, यानी ये आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी का मुकाबला होगा। ये दोनों कैंडिडेट आपके सामने रख दिए। इसके अलावा नॉर्थ वेस्ट दिल्ली से बीजेपी के योगेंद्र चंदोलिया और उनके सामने कांग्रेस का कोई उम्मीदवार होगा। ये सीट कांग्रेस के खाते में गई है, लेकिन कांग्रेस ने कैंडिडेट की घोषणा भी की नहीं है। अब दिलचस्प बात यह है कि दिल्ली की 7 सीटों पर 6 ऐसे कैंडिडेट रहे कम से कम, जो इस बार बीजेपी ने नए चेहरों पर दांव लगाया। 7 सांसद जो पिछली बार चुनकर आए थे दिल्ली में, उसमें से सिर्फ मनोज तिवारी को इस बार रिपीट किया गया है। बाकी सारे नए चेहरे हैं, जैसे चांदनी चौक से प्रवीण खंडेलवाल को उतार दिया गया है। नई दिल्ली से बांसुरी स्वराज, सुषमा स्वराज की बेटी हैं, उनको टिकट दिया गया है। दक्षिणी दिल्ली से रामवीर सिंह बिधूड़ी, उन्हें टिकट मिला है। पश्चिमी दिल्ली से कमलजीत सहरावत, उन्हें टिकट दिया गया है। पूर्वी दिल्ली से हर्ष मल्होत्रा के नाम का आज ऐलान हो गया। नॉर्थ वेस्ट दिल्ली से योगेंद्र चंदोलिया के नाम का ऐलान हो गया। एकमात्र मनोज तिवारी हैं जो अपनी टिकट बचा पाए, यानी कम से कम अगर परफॉर्मेंस के हिसाब से हुआ है तो आप कहिए कि मनोज तिवारी का परफॉर्मेंस ऐसा रहा है कि उनको रिपीट किया गया। और कई लोग तो यह भी कहते हैं कि मनोज तिवारी का यही परफॉर्मेंस है कि दिल्ली में उनको अध्यक्ष भी बनाया गया था, लेकिन बीजेपी की इंटरनल फाइट में लोगों ने उनका ही पत्ता काटना शुरू कर दिया, वरना वो आम आदमी पार्टी को कड़ी टक्कर दे सकते थे। कल से हरियाणा की राजनीति की भी खूब चर्चा हो रही है। बीजेपी ने हरियाणा की 10 में से 6 सीटों पर आज कैंडिडेट उतार दिए और सबसे चौंकाने वाला नाम था मनोहर लाल खट्टर का, जिन्हें लेकर कल से चर्चा तो थी कि उन्हें सीएम पद से हटा दिया गया है, अब उन्हें उनका क्या होगा, नरेंद्र मोदी ने उनका पत्ता काट दिया वगैरह वगैरह। लेकिन आज बीजेपी ने मनोहर लाल खट्टर को करनाल से लोकसभा का टिकट दे दिया। मनोहर लाल खट्टर करनाल विधानसभा सीट से विधायक हुआ करते थे। खट्टर ने कल सीएम की कुर्सी छोड़ी और आज ही मनोहर लाल खट्टर ने करनाल से विधायक पद से इस्तीफा भी दिया। करनाल से बीजेपी ने मौजूदा सांसद संजय भाटिया की जगह पर मनोहर लाल खट्टर को टिकट दिया है। अच्छा, जिनके जगह पर टिकट मिला है भाटिया जी, संजय भाटिया, वो बड़े अंतर से करनाल की सीट जीते थे, लेकिन बावजूद इसके मनोहर लाल खट्टर को उस सीट का मिलना यह दिखाता है कि मनोहर लाल को खट्टर को हटाने की वजह उनसे नाराजगी या उनका काम ना करना यह वजह नहीं थी। हरियाणा में लोकसभा की 10 सीटें और सिर्फ 4 सीटें ऐसी बची हैं जिनमें अभी बीजेपी ने कैंडिडेट नहीं उतारे। मनोहर लाल खट्टर के अलावा जिन लोगों को हरियाणा में बीजेपी ने टिकट दिया है, उनमें सिरसा से अशोक तंवर का नाम है, जो एक वक्त में कांग्रेस में थे और राहुल गांधी के करीबी हुआ करते थे। सिरसा से बीजेपी ने मौजूदा सांसद सुनीता दुग्गल की जगह पर अशोक तंवर को चुनावी मैदान में उतारा है। अशोक तंवर 2019 में सिरसा सीट पर ही कांग्रेस के टिकट पर लड़े थे और सुनीता दुग्गल से हार गए थे और इस बार वो बीजेपी के कैंडिडेट बन गए। इसके अलावा हरियाणा में कई सीटों पर मौजूदा सांसदों को रिपीट किया गया है, जैसे गुड़गांव से मौजूदा सांसद राव इंद्रजीत सिंह को टिकट दे दिया गया। फरीदाबाद से मौजूदा सांसद कृष्णपाल गुर्जर को टिकट मिला है। भिवानी महेंद्रगढ़ सीट से मौजूदा सांसद हैं चौधरी धर्मवीर सिंह, उन पर फिर से भरोसा जताया गया। अंबाला से बीजेपी ने अपने दिवंगत सांसद रत्नलाल कटारिया की पत्नी बंतो कटारिया को टिकट दिया।
ये हो गई हरियाणा की बात, मनोहर लाल खट्टर की बात। अब एक और बड़े नेता के बारे में बताता हूं, बीजेपी की लिस्ट में नितिन गडकरी का नाम भी आज शामिल है, जिनका नाम बीजेपी की पहली लिस्ट में नहीं था। तो तमाम तरह की बातें चलने लग गई, उद्धव ठाकरे जैसा नेता, जैसे नेता जो है वो गडकरी को ऑफर देने लग गए कि गडकरी विपक्ष के गठबंधन में आ जाए, उनको टिकट मिल जाएगा, जैसे इनको टिकट ही नहीं मिलना था। लेकिन गडकरी ने उद्धव के इस बयान को हास्यास्पद बताया था और कह दिया था कि बीजेपी में चुनाव का टिकट देने का एक सिस्टम है बॉस, और उसी सिस्टम के तहत टिकट मिलता है। आज गडकरी का नाम बीजेपी की दूसरी लिस्ट में आ गया और उन्हें नागपुर की सीट से फिर से टिकट दिया गया। अच्छा, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई जिस वक्त पहली लिस्ट आई उस वक्त महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग हुई नहीं थी, तो नागपुर की सीट पर गडकरी के नाम का ऐलान कैसे कर देते, इसलिए इंतजार किया जा रहा था। अब महाराष्ट्र में क्या हो गया है सीटों को लेकर वो आगे बताऊंगा। बीजेपी की दूसरी लिस्ट में महाराष्ट्र से जो सरप्राइज करने वाले नाम है उनमें पीयूष गोयल का नाम भी है, जो पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। पीयूष गोयल मुंबई की हाई प्रोफाइल मुंबई नॉर्थ सीट से चुनाव लड़ने के लिए उतारे गए। उन्हें बीजेपी के मौजूदा सांसद गोपाल शेट्टी की जगह पर टिकट दिया गया है। मुंबई नॉर्थ सीट पर 2019 के चुनाव में कांग्रेस ने एक्टर उर्मिला मातोंडकर को टिकट दिया था, जो 4.5 लाख से ज्यादा वोटों से हार गई। मुंबई नॉर्थ सीट बीजेपी की सेफ सीट मानी जाती है और यहां से इस बार पीयूष गोयल को टिकट मिला है। महाराष्ट्र से बीजेपी ने 20 सीटों पर कैंडिडेट के नाम की घोषणा कर दी। महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग पहले ही तय हो चुकी है, अब इसका औपचारिक ऐलान ही बचा है, क्योंकि भाई वहां पर 48 सीट है और आपने 20 पे कैंडिडेट उतार दिए, इसका मतलब अंदर चीजें डन है, सीट शेयरिंग तय हो चुकी है। इसका कंफर्मेशन इसी बात से ही हो जा रहा ना भाई कि अपनी सीटों पर कैंडिडेट बीजेपी ने घोषित कर दिए, 20-20 कैंडिडेट उतार दिए। अगर सीट शेयरिंग नहीं तय हुई होती तो ऐसा थोड़ी होता। सूत्रों के मुताबिक महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग पर जो बात फाइनल हुई है उसके मुताबिक जो 48 लोकसभा सीटें महाराष्ट्र में हैं उनमें से 31 पर बीजेपी कैंडिडेट उतारेगी। शिंदे गुट की जो शिवसेना है उसको 13 सीटें दी गई हैं। अजीत पवार की एनसीपी को 4 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का मौका दिया गया। मुंबई की 6 सीटों में से कहा जा रहा है कि 5 पर बीजेपी लड़ेगी। बीजेपी की दूसरी लिस्ट से उत्तराखंड से भी 2 नाम है, जैसे गढ़वाल से बीजेपी के नेशनल मीडिया हेड अनिल बलूनी को टिकट दिया गया है। इनके सामने कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल चुनावी मैदान में होंगे। हरिद्वार सीट से पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को टिकट मिला है। हरिद्वार सीट पर कांग्रेस से हरीश रावत के चुनाव लड़ने की चर्चा है, तो अगर उनका नाम अनाउंस हुआ तो 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों की लड़ाई होगी। उत्तराखंड की 5 सीट पर बीजेपी ने अब अपने कैंडिडेट के नाम की घोषणा कर दी है। कांग्रेस ने कल उत्तराखंड की 3 सीटों पर कैंडिडेट के नाम घोषित किए। कर्नाटक से बीजेपी ने जिन बड़े चेहरों को उतारा है उनके बारे में भी सुनिए। उनमें पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई को हावेरी सीट से टिकट मिला है। पूर्व सीएम येदुरप्पा के बेटे बीवाई राघवेंद्र को शिमोगा से टिकट दिया गया है। मैसूर के मौजूदा सांसद प्रताप सिम्हा का टिकट कट गया है। इसी तरह कर्नाटक से अगर आप देखेंगे वहां पर कुछ और बड़े नाम है जिनको टिकट मिला है, उनके बारे में बताऊंगा। दूसरी लिस्ट में मध्य प्रदेश से बीजेपी ने 5 सीटों पर कैंडिडेट के नाम घोषित कर दिए। छिंदवाड़ा सीट जहां पर कांग्रेस ने नकुलनाथ को उतारा है वहां बीजेपी ने विवेक बंटी साहू को टिकट दिया है। धार से मौजूदा सांसद छतर सिंह दरबार की जगह पर पूर्व सांसद सावित्री ठाकुर को बीजेपी ने टिकट दिया। इंदौर से मौजूदा सांसद शंकर लालवानी को फिर से टिकट मिला है। बालाघाट सीट पर भारती पारधी को नए चेहरे के तौर पर उतारा गया। उज्जैन से अनिल फिरोजिया को फिर से टिकट मिला है। बीजेपी की दूसरी लिस्ट में यूपी बिहार का नाम ही नहीं। यूपी में कम से कम 24 सीटें ऐसी हैं जिसमें अभी बीजेपी ने कैंडिडेट के नाम नहीं घोषित किए। बिहार में किसी भी सीट पर अभी तक कैंडिडेट के नाम की घोषणा बीजेपी ने नहीं की। बिहार में अभी गठबंधन में सीट शेयरिंग को फाइनल टच दिया जा रहा है, कहा जा रहा है। चिराग पासवान के मामले को संभाला जा रहा है। आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा चिराग पासवान से मिले हैं, जिसके बाद चिराग पासवान ने ऐलान कर दिया कि बिहार में सीटों के बंटवारे का बंटवारा हो गया है, जल्द ऐलान होगा। पहले ऐसी खबरें थी कि चिराग पासवान सीट शेयरिंग को लेकर नाराज हैं, यहां तक कि उनसे आरजेडी के साथ जाने पर सवाल होने लगे थे। लेकिन इससे पहले स्थिति बिगड़ती और कोई खेला होता, बीजेपी ने एक्टिव होकर मामला संभाल लिया। एनडीए में चिराग पासवान और पशुपति पारस दोनों शामिल हैं। बीजेपी के लिए चाचा और भतीजे को
साथ रखने की चुनौती थी। चिराग और पशुपति पारस दोनों रामविलास पासवान की सियासी विरासत पर दावा ठोकते रहे। हाजीपुर सीट को लेकर भी टकराव है, जहां से पशुपति पारस अभी सांसद हैं और चिराग पासवान इसी सीट से लड़ने के लिए अड़े हैं, क्योंकि यहां से उनके पिता भी सांसद रहते थे। सूत्रों के मुताबिक खबर है कि बिहार में बीजेपी ने हाजीपुर सीट चिराग पासवान को दे दी। बिहार में एलजेपी के कोटे की 5 सीट चिराग पासवान के पास गई है। कहा जा रहा है कि बीजेपी ने पशुपति पारस को राज्यपाल बनने का ऑफर दे दिया। पशुपति पारस के दूसरे भतीजे प्रिंस राज पासवान को बिहार में मंत्री बनाया जा सकता है।